नेचुरली बीइंग अ फादर, तो हर फादर को खुशी होती है जब उसकी औलाद तरक्की कर रही होती है किसी भी फील्ड में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट एज अ प्रोफेशनल मैं हर चीज को उसकी बड़ा क्रिटिकली देखता हूँ, बिकॉज के इस लेवल पे पहुंचना तो बड़ा आसान होता है सलीम, बट इसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके लिए आपको बहुत अनथक मेहनत करनी पड़ती है, अपने वर्क एथिक्स बनाने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो वही आजम को मैं कोशिश करता हूँ कन्वे भी किया जाए, और वो कोशिश भी करा। नेशनल वनडे कप भी अभी अच्छा खेला है वो, उम्मीद करता हूँ जिस जिस रिदम में वो खेल रहा है, अल्लाह करे खेलते रहे। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन होगा आजम की सूरत में, अगर पाकिस्तान से वो खेलते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर और परफॉर्म करते हैं, तो वो टैलेंट तो मौजूद है, पूरी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गया है उनको, और वो जो उनके ऊपर एक टैग था के सिफारशी होने का या अनफिट होने का, कम से कम ये उन्होंने खुद धो दिया है माशाल्लाह, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को बता दिया है कि वो कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं, और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहेंगे, यही मैं सिखाता हूँ और बताता हूँ, तो अल्लाह ताला रिवॉर्ड देता है प्लेयर्स को, चाहे वो आजम हो या वो कोई भी प्लेयर हो। जाते जाते मोइन भाई एक सवाल आपसे ही करना चाहूंगा मैं कि सारे तकरीबन जो साबिक क्रिकेटर्स हैं चाहे थोड़ा बहुत भी उनका नाम हो वो पीसीबी के साथ किसी न किसी हैसियत से वाबस्ता हो चुके हैं। आपका तो इतना बड़ा नाम है तो कभी आपको याद नहीं किया इन लोगों ने कि भाई चीफ सेलेक्टर बन जाओ कोच बन जाओ इधर आ जाओ। नहीं, पीसीबी हमेशा याद करता है, लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं भी हमेशा पाकिस्तान में क्रिकेट की वजह से पहचाना जाता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं क्रिकेट से दूर हो जाऊँ, मैं नहीं भी होता पीसीबी में डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली मेरी आदत है, मैं थ्रू मीडिया कभी भी अपने मैसेजेस कन्वे नहीं करता, जब मुझे कोई मैसेज कन्वे करता होता है तो मैं बहुत डायरेक्टली और बड़ा बोल्डली करता हूँ, लोगों को फ़ोन करके भी कर देता हूँ, कोई इसमें मुजायका नहीं है, मेरा ख्याल है ना कोई ईगो ऐड होती है। बट हाँ, जब ऑफिशियल कैपेसिटी में जब पीसीबी बुलाएगा या बुलाता है तो नेचुरली जिस पर मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो अभी जो सेटअप आया है, जितने लड़के प्रीवियसली आए हैं, जो करंट हमारे लड़के छोड़ के आए हैं, सारे रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, सब कहीं ना कहीं इंडक्ट हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा सेटअप चल रहा है, और मेरी अगर ज़रूरत महसूस होगी पीसीबी को तो मैं तो हमेशा हाजिर हूँ, मैंने कभी मना भी नहीं किया, बट नेचुरली हर इंसान की एक प्रायोरिटी होती है, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरी क्रिकेट एकेडमी है अपनी, जहाँ पे मैं खुद बच्चों की यहाँ पे कोचिंग चल रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो इससे नज़र हटाना भी बड़ा मुश्किल होता है।